हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ लिमिट गेजेस। इसमें आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे लिमिट गेजेस के कुछ न्यूमेरिकल हैं, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे कि लिमिट गेजेस के कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है उसको देखेंगे। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम में, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, डिजाइन द गो एंड नो गो गेजेस फॉर अ पेयर ऑफ शाफ्ट एंड होल्स Having 25H7F8 fit, we are given with usual notation. आपको डिजाइन करना है गो एंड नो गो गेजेस की, जिसमें कि आपको शाफ्ट और होल की एक फिटिंग दी हुई है 25H7F8 इस टाइप की फिटिंग दी हुई है और कुछ आपको नोटेशन दिए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट दिया आई क्योंकि माइक्रोन्स में इसकी यूनिट है, इक्वल टू 0.45, अंडर रूट डी के ऊपर 3 प्लस 0.001 इंटू डी, डी एन मिलीमीटर में है। सेकंड है अपर डेविएशन फॉर एफ शाफ्ट, एफ टाइप की शाफ्ट जिसका अपर डेविएशन आपको दिया है -5.5 डी बेस टू 0.4। थर्ड दिया है 25 mm फॉल्स इन डायमीटर स्टेप्स ऑफ 18 एंड 30, आपको 25 mm फॉल डायमीटर स्टेप दिए हैं 18 और 30। IT7 इक्वल टू 16i एंड IT8 इक्वल टू दिया है आपको 25i। टेक वियर अलाउंस एज 10% ऑफ गेज टॉलरेंस। हमको गो एंड नो गो गेजेस की डिजाइन करना है, जिसमें हमको शाफ्ट की जो फिटिंग दी है होल और शाफ्ट को दी है 25H7F8। अगर आपको इस टाइप की फिटिंग दी जाती है तो आपको इसको मेन जो 25 है ये है बेसिक साइज, बेसिक साइज इक्वल टू आ जाएगा 25 mm। H7 मतलब होल है, होल का टॉलरेंस IT7 है और F मतलब शाफ्ट है, इसका टॉलरेंस IT8 है। तो हमारे पास जो डायमेंशन दिया है बेसिक साइज इक्वल 25 mm, होल का टॉलरेंस ऑफ होल IT7, टॉलरेंस ऑफ शाफ्ट IT8 ये दिया है। I दिया है माइक्रोन्स में, आपको 0.45 अंडर रूट डी के ऊपर 3 प्लस 0.001 इंटू डी, ये मिलीमीटर में डी का डायमेंशन रहेगा। अपर डिविशन फॉर शाफ्ट, शाफ्ट का अपर डिविशन जो दिया हुआ है वो दिया है -5.5 डी बेस टू 0.41 शाफ्ट का अपर डिवीजन। 25 mm फॉल्स एंड डायमीटर स्टेप आपको दिया है, D1 और D2 दिए हैं, ये D1 इक्वल टू 18 mm और D2 इक्वल टू दिया है 30 mm। IT7 जो होल का टॉलरेंस है वो दिया है 16i और IT8 मतलब शाफ्ट का टॉलरेंस दिया है IT8 इक्वल 25i। आपको वियर अलाउंस लेना है 10% ऑफ केज टॉलरेंस का 10% लेना है वियर अलाउंस के बराबर। तो गिवन लिखेंगे, सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन निकाला मतलब मेन डायमीटर निकाला, डी इक्वल टू अंडर रूट D1 इंटू D2 होता है, जितना डायमीटर स्टेप दिया रहता है इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो अंडर रूट 18 इंटू 30। इसको जब सॉल्व किया तो आगे हमारे पास 23.23 mm ये आपके पास आ गया ज्योमेट्रिक मेन डायमीटर। अब आई निकालेंगे यहाँ से, यहाँ पर जो डी की वैल्यू आई वो उसको पुट कर देंगे यहाँ इसमें, तो आई इक्वल टू 0.45 अंडर रूट डी के ऊपर 3 प्लस 0.001 इंटू डी, ये आपको कह दिया आई। आई की जगह पे आपको रखना क्या 23.23, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे जहाँ पर डी है, तो 0.45 अंडर रूट 3 23.23 प्लस 0.001 इंटू 23.23। इसको एक कैलकुलेटर से हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 1.307 माइक्रॉन्स, ये आई निकल आया माइक्रॉन्स में। अब जब हम माइक्रोन्स को mm में चेंज करते हैं तो 10 के ऊपर 3 -3 की घात से मल्टीप्लाई करते हैं, 10^-3 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो इसमें अगर 10^-3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.001307 mm, ये आई की वैल्यू आ गई। अब इसमें हम मिनिमम साइज ऑफ होल निकालेंगे, तो मिनिमम साइज ऑफ होल आपको दिया हुआ है इसमें 25 mm, ये मिनिमम साइज रहेगा। IT7 आपको टॉलरेंस ऑफ होल दिया है 16i, ये दिया है, तो i की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आई ये निकला है, तो 16 × 0.001307 इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाएगा 0.0209 mm, ये अगर IT7 होल का टॉलरेंस। मैक्सिमम साइज आप होल निकालेंगे तो ये जो टॉलरेंस और बेसिक साइज जुड़ जाएगी, तो 25 प्लस 0.0209 तो आ जाएगा 25.0209 mm, ये आ जाएगा मैक्सिमम साइज ऑफ होल, ये मिनिमम साइज होल और ये मैक्सिमम साइज ऑफ होल। IT8 टॉलरेंस ऑफ शाफ्ट है 25i दिया है, तो 25i आई की जगह पे हमको रखना है ये वाली वैल्यू, तो 25 × 0.001307 लिख सकते हैं, बन भी लिख दिया, सब सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 0.03275 mm।
ये IT8 निकला है शाफ्ट का टॉलरेंस। फंडामेंटल डेविएशन हमको ये दिया है -5.5 d^2 0.41, तो हमारे पास ये है -5.5 d^2 0.41। d की जगह पे हमको रखना है ये वाली वैल्यू 23.23, तो यहाँ पर रख दिया है -5.5, तो 23.23 d^2 0.41। इसको जब कैलकुलेटर से सॉल्व किया हमने, तो हमारे पास आ गया -19.97 माइक्रोन्स। अब माइक्रोन से फिर एमएम में चेंज करेंगे तो 10^-3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाएगा -0.01997 mm। इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास निकल आएगा, FD निकला है फंडामेंटल डेविएशन -0.01997 mm। देन गेज टॉलरेंस फॉर होल गेजिंग, गेज टॉलरेंस अगर हमको निकालना है तो 10% ऑफ हमारे पास निकल आएगा इसका टॉलरेंस, होल का गेज टॉलरेंस निकालेंगे तो जो टॉलरेंस है उसका 10% हो जाएगा। टॉलरेंस 10% ऑफ ये टॉलरेंस 0.0209, 10% ऑफ 0.0209, तो इसको हम सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 0.0021 mm। ये गेज टॉलरेंस निकला है होल का, होल का गेज टॉलरेंस आया 0.0021 mm। अब वियर अलाउंस निकालेंगे फॉर दिस केस, तो 10% ऑफ गेज टॉलरेंस हो जाएगा, जो हमारे पास गेज टॉलरेंस निकला है गेज टॉलरेंस का 10% हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व किया तो 10% ऑफ 0.021, इसको सॉल्व किया तो 0.0002 mm आ गया, ये वियर अलाउंस आ गया। गेज टॉलरेंस फॉर शाफ्ट गेजिंग, ये 10% ऑफ 0.0297, इसका जो टॉलरेंस है शाफ्ट का इसका 10% निकालना है, इसका जो टॉलरेंस है इसका 10% काट देंगे तो गेज टॉलरेंस निकल आएगा, तो 10% ऑफ 0.0297, तो इसको सॉल्व किया तो 0.0027 mm। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 0.003 के फॉर्म में लिख दिए 9 को बढ़ा करके। अब वियर अलाउंस निकाला तो गेज टॉलरेंस जो है इसका 10%, 10% ऑफ 0.003, तो आ गया 0.0033 mm, ये वियर अलाउंस आ गया। फॉर होल के लिए अगर हम डिजाइन करेंगे तो गो गेज की हो जाएगी बेसिक साइज 25 प्लस हमारे पास जो ये रहेगा ये आ जाएगा हमारे पास टॉलरेंस 0.0023 और ये हो जाएगा वियर अलाउंस, तो 0.0023 और ये प्लस 0.0002 mm, ये आ गया गो गेज। नो गो गेज में आएगा हमारे पास, नो गो गेज में आएगा बेसिक साइज प्लस टॉलरेंस 0.0023 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस 0.0209 mm, ये आ जाएगा। तो इस टाइप से हमने गो गेज एंड नो गो गेज निकाला, होल का गो गेज और होल का नो गो गेज, इस टाइप से हमने इसमें रखा हुआ सबकी वैल्यू। आप इसी टाइप से फॉर शाफ्ट के लिए करेंगे तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट निकालेंगे तो 25 माइनस ये हमारे पास आ गया, ये दिया है आपके पास मैक्सिमम साइज निकालेंगे, तो मैक्सिमम साइज निकालेंगे तो हमारे पास ये दिया है फंडामेंटल डेविएशन -0.01997, तो इसको इससे माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 25 -0.01997, तो सॉल्व किया तो 24.98 mm आ गया, ये मैक्सिमम लिमिट आ गई। और शाफ्ट के जब मिनिमम लिमिट निकालेंगे तो 25 माइनस ये हमारे पास फंडामेंटल डेविएशन 0.01997 माइनस हमारे पास ये आ गया टोल वियर अलाउंस, तो इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 24.9274 mm, तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट आ गया, ये मिनिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट आ गया। गो गेज की डिजाइन करेंगे तो जो हमारे पास ये आया है 24.98 मैक्सिमम लिमिट और उसके ऊपर माइनस ये आपके पास गेज टॉलरेंस और फिर लिखना है यहाँ पर वियर अलाउंस, तो गेज टॉलरेंस -0.003 और वियर अलाउंस 0.-0.003। नो गो गेज की डिजाइन करेंगे तो 24 ये मिनिमम लिमिट रखना है तो 24.9474 और ये हमारे पास आपके पास FD दिया नहीं है इसका गेज टॉलरेंस, तो -0.00 आ जाएगा और ये अपर पास आ जाएगा गेज टॉलरेंस, तो -0.003 mm। इस टाइप से हम गो गेज और नो गो गेज की डिजाइन करते हैं। अब इसका डायग्राम देखते हैं, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में हमारे पास सबसे नीचे जो हमने बनाई है ये शाफ्ट की डिजाइन है, ऊपर है होल का। सबसे पहले मिनिमम साइज आप शाफ्ट है ये आपको मालूम है 24.9503 आया था, उसमें तो लिखा हुआ है, इसमें हमारे पास डेविएशन है नहीं इसलिए हमारे पास गो गेज है जो हमारे लाइन के नो गो गेज है जो लाइन के अकॉर्डिंग रखा हुआ है। ये है IT8 शाफ्ट का टॉलरेंस जो कि हमारे पास है 0.0297 mm। इसका जो वियर अलाउंस है, वियर अलाउंस आया था हमारे पास, वियर अलाउंस के बराबर हमने किसको जगह छोड़ी इसमें गैप, तो ये हमारे पास गेज टॉलरेंस है और ये यहाँ पर ये गो गेज की डिजाइन कर दी।
ये फंडामेंटल डेविएशन की साइज छोड़ी 0.0200 mm। अब इसके बाद हमारे पास जो आया ये हम करेंगे होल की डिजाइन। तो मिनिमम साइज आप होल करेंगे तो मिनिमम साइज हमको 25 mm है। तो ये इसमें हमारे पास बियर अलाउंस दिया था, तो बियर अलाउंस के हिसाब से हमने गैप छोड़ा, तो यहाँ गो गेज की डिजाइन कर दी। ये है गेज टॉलरेंस फॉर गो गेज का, और इसका ये है होल का टॉलरेंस IT7 जो कि है 0.0209 mm। और यहाँ पर हमारे पास बियर अलाउंस है नहीं, इसलिए नो गो गेज को हमने लाइन पे रखा है। और ये मैक्सिमम साइज आप होल है 25.0209 mm है, ये हमको उसमें निकला हुआ है। तो इस टाइप से आपको ये डायग्राम बनाना है, ये आपको डायग्राम इसमें गो गेज एंड नो गो गेज की। तो ये हमने जो पढ़ा है आज गो गेज एंड नो गो गेज की न्यूमेरिकल पढ़े हुए हैं, इसके डिजाइन कैसे करते हैं।